हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेरोजगार इंजीनियर। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी डिस्कॉर्ड ऐप में प्रॉब्लम आ रही है कि लिख कर है अनेबल टू रजिस्टर, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। और बहुत सारे यूज़र को ये प्रॉब्लम आती है जब वो अपनी आईडी को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं डिस्कॉर्ड ऐप में। मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा इसका सॉल्यूशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बेरोजगार इंजीनियर को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स जो होंगे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा न्यू इग्निटो टैब का, इस पर टैप कर देना है। जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पे इग्निटो टैब पे हम अपने जो वेबसाइट है उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो सिंपल टैब होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें क्या करना है, इग्निटो टैब में जो भी हमारी वेबसाइट है उसको ओपन करने की कोशिश करनी है और सर्च करने की कोशिश करनी है। इग्निटो टैब से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इग्निटो से नहीं हो रही है तो हमें यहाँ पे सर्च कर लेना अपने वेबसाइट को, और जो भी वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसको डेस्कटॉप साइट में यूज़ करना है। डेस्कटॉप मोड में यूज़ करने के बाद हमें उसको ओपन करना है, क्योंकि कभी कभी जो वेबसाइट होती है जो चीज़ हम सर्च कर रहे होते हैं वो सिंपल फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करती है। वो डेस्कटॉप पीसी मोड में, मतलब जो होता है उसमें वो सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे इसको चलाने की कोशिश करनी है। इसके बाद एक बार अपने सेटिंग में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे हमें एक ऑप्शन दिख रहा है एसेसिबिलिटी का, तो इसको इनेबल ही रखना है। एसेसिबिलिटी को ऑफ मत कर रखिएगा। एसेसिबिलिटी इनेबल करने के साथ साथ यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद साइट सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे टैप कर देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे कुकीज़ का ऑप्शन दिखेगा, कुकीज़ का ऑप्शन है, इसको कुकीज़ को इनेबल कर देना है। और यहाँ पे एड्स है, एड्स अगर आप ब्लॉक कर देते हो तो कभी कभी जो आपकी साइट है वो एड्स को सपोर्ट करती है, और अगर आप एड्स को ही ब्लॉक कर देते हो तो वेबसाइट वो वर्क नहीं करती है। तो आपको एड्स को ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी एक दो बार ये प्रॉब्लम फेस करी है। और कुकीज़ को इनेबल कर दीजिएगा और एक बार अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करें, आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।